फाइनली हम लोग का खाना आ गया है। शवरमा मतलब ये लोग ये समझा है। यहाँ का वैसे मार्केट बहुत बड़ा है, ये सामने जगह देखो। सो फाइनली हम लोग आ गए यहाँ का वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम फ्रॉम डाउन टाउन अमान। अभी हम लोग हैं अमान का डाउन टाउन पे, सिटी सेंटर पे। ये जो जगह है मेरे पीछे, ये एक्चुअली वो अमान का रोमन थिएटर है। तो अभी हम लोग अमान का फूड एक्सप्लोर करने जा रहे हैं फिलहाल। और लाइक दुबई इधर भी बहुत सारा परफ्यूम का भी शॉप है, अरबिक परफ्यूम का, वो भी चेक करेंगे बाद में। ये मेरे इधर एक शॉप है। तो वैसे अमान के बारे में बता दें कि भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर एंड इट्स अ वेरी नॉट वेरी बट क्राउडेड सिटी। बट लोग यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर जो है वो है लैंग्वेज बैरियर। यहाँ पर ऑलमोस्ट 90% लोगों को इंग्लिश नहीं आती है प्रॉपरली, और 10% को जो आती है वो भी थोड़ा मतलब बिल्कुल कम। और तो कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, इधर वो टैक्सी वाला के साथ हो या कोई शॉप ओनर के साथ हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फलाफल ट्राई करने। अरब कंट्रीज़ का फेवरेट खाना है ये फलाफल। तो ये एक कैफ़े आ गया, शायद यहाँ से मिल जाएगा। कैफ़े सीन, इसका नाम है कैफ़े सीन। और यहाँ और एक चीज़ है कि यहाँ शीशा बहुत फेमस है, जिसको हम लोग हुक्का बोलते हैं। तो अभी फिलहाल देखते हैं, यहाँ से फलाफल ट्राई करते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। तो भाई एक कैफ़े मिला, इतना ज़्यादा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। हम इस बंदे से फलाफल मांग रहे हैं, ये क्या समझ रहा है भगवान जाने, कुछ भी पता नहीं ये क्या समझ रहा है। बहुत तसल्ली से गूगल ट्रांसलेट, हाँ स्मॉल या स्मॉल कॉफ़ी। भाई इन लोगों को समझाने में ना मतलब जान निकल रहा है इन लोगों को। कॉफ़ी नहीं क्या बताए यार, कॉफ़ी भी नहीं समझ रहे सही से। फिर हम मतलब गूगल ट्रांसलेट से बताए तो इनको समझ में आया। फलाफल खाने आए थे, फलाफल इन लोगों को समझाना ही मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल था। तो बहुत मतलब डिफ़िकल्टी से शवरमा समझवाया है इन लोगों को, शवरमा वाला समझाया। पता नहीं अब शवरमा की जगह क्या दे देगा ये कुछ भी पता नहीं है। तो भाई फाइनली हम लोग का खाना आ गया है। शवरमा मतलब ये लोग ये समझा है, फ्राई है, फ्रेंच फ्राई है, ये तो ठीक है। और ये पता नहीं ये क्या है, शवरमा जैसे हम लोग रोल खाते हैं ना, यहाँ पर ये लोग पीस करके दिया है। फिर भी ठीक है, खाने के बाद पता चलेगा क्या है। और ये कॉफ़ी है, मतलब आप पूरा जॉर्डन में जिधर भी जाओगे चाय मिलेगा तो वो भी ब्लैक टी, कॉफ़ी मिलेगा तो वो भी ब्लैक कॉफ़ी। सो शुक्रिया। और कॉफ़ी में ये लोग बिल्कुल भी चीनी नहीं देता है, तो अभी अलग से शक्कर मंगवाए हैं। तो खाना खत्म करते हैं अभी यहाँ। तो फाइनली खाना हो गया, अच्छा टेस्ट था। टेस्ट हम नहीं ये ज़्यादा खाया ये बताएंगे। बताओ मैडम खाना कैसा था? बहुत गंदा। गंदा नहीं था ऐसा भी ये हेयर सैलून है, अरे वाह। कल शायद देखते हैं थोड़ा हेयर कट करवा लेंगे। और अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं सूख पे। सूख मतलब अरबी में सूख का मतलब होता है मार्केट शॉप। तो हम लोगों को स्वेटर लेना है क्योंकि यहाँ ठंड रात में बहुत ज़्यादा पड़ता है। और यहाँ रेनबो स्ट्रीट बोल के एक बहुत ही अच्छा जगह है, उधर भी अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से। ये है जॉर्डन का डाउनटाउन का जो मार्केट है, इधर ही है। लेकिन बर्गेनिंग यहाँ ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक अभी जैकेट चूज़ किए थे हम, 15 JD मांग रहा था, जो कि मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा था। हम 10 JD बोले, वो लास्ट में सिर्फ 14 JD ही मतलब तक आया है, उससे कम में नहीं देगा। तो आगे जा रहे हैं हम, जैकेट का ज़रूरत भी है क्योंकि इधर ठंडा तो बहुत ज़्यादा ही है। तो शू का शॉप से, लेकिन इधर भी लैंग्वेज बैरियर है। अच्छा जगह है, मतलब डाउनटाउन उतना भी मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब इंडिया के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी मतलब अफोर्डेबल है। जैसे जेराशिया
डेड सी वो सब तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव है, लेकिन ये यहाँ फिर भी हम लोग दो सुवेनियर लिए थे, उसका प्राइस आया ज़्यादा नहीं, 1 JD का 2 सुवेनियर आ गया, मतलब मान के चल सकते हो कि 60 रुपीज़ फ्रिज मैग्नेट लिए थे दो यहाँ से, तो जो कि हम लोगों का उधर भी ऑलमोस्ट इतना ही प्राइस में ही मतलब मिलता है फ्रिज मैग्नेट टूरिस्ट एरिया में। और यहाँ का लोग भुट्टा बहुत ज़्यादा खाता है, रोस्टेड भुट्टा। ये जगह देखो फ्रूट मार्केट है पूरा। हाँ, सी द बिजी स्ट्रीट्स ऑफ अम्मान, शुगर कन का जूस हो रहा है इधर, बैग्स, मतलब इतना भी ज़्यादा डेवलप्ड हम मतलब नहीं सोचे थे अम्मान, लेकिन अम्मान बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है और बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी है। यहाँ का वैसे मार्केट बहुत बड़ा है, ये सामने जगह देखो, रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ। चलते पहुंच गए हम लोग अभी रेनबो स्ट्रीट पे, ये है रेनबो स्ट्रीट, मतलब थोड़ा कम क्राउडेड एरिया है, थोड़ा पॉश एरिया जैसा है, लेकिन यहाँ पर ये एक इंडियन रेस्टोरेंट का इंडियन फूड का दुकान मिल गया, रकून, इट्स अ इंडियन रेस्टोरेंट। तो अभी तो इंडियन कुछ खाने का मन नहीं है, बाद में अगर मन होगा तो इधर आके एक बार ट्राई करेंगे ज़रूर, अभी दूसरा कहीं चलते हैं। रेनबो स्ट्रीट का कैफ़े में अभी आए थे, ये कैफ़े है, रूफटॉप कैफ़े है, बैक कैमरे से इसका व्यू दिखाते हैं आपको। ये सामने एक मॉस्क है एंड यहाँ से डाउनटाउन अम्मान का बहुत अच्छा एक व्यू आती है। इधर एक बड़ा सा टावर है शायद, इस चीज़ का बिल्डिंग होगा शायद, और यहाँ दूर एक जॉर्डन का फ्लैग, इधर ना दूर में अम्मान सिटाडल दिख रहा है, ये जो जगह है इसका नाम है अम्मान सिटाडल, टेम्पल ऑफ हरक्यूलिस। सो जगह बहुत अच्छा, और इधर मॉस्क है, ये रेनबो स्ट्रीट के बिल्कुल बगल में ही ये मतलब कैफ़े है, वो नीचे है रेनबो स्ट्रीट शायद दिख रहा है आपको। तो खाना यहाँ से एक पास्ता लिए थे और एक कॉफ़ी लिए, 6 JD का बिल हुआ था, उस हिसाब से तो अच्छा है, और एम्बियंस बहुत अच्छा है यहाँ का। तो खाना ख़त्म हो गया, अभी चलते हैं बाहर रेनबो स्ट्रीट का जो मेन एरिया है उधर चलते हैं। अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ का लोकल डिश, बेसिकली स्वीट कॉर्न है, स्वीट कॉर्न का चाट बना के ये दे रहे हैं छोटा कप में, ये शायद कुछ राजमा जैसा है, लेकिन राजमा नहीं है, मसाला डाल के देता है इसमें, काफ़ी अच्छा था खाने में। अभी इसका ये कॉर्न टेस्ट करेंगे, कॉर्न चाट, हाउ मच, 1 JD, ओके। सो फाइनली हम लोग आ गए रेनबो स्ट्रीट, इसी मतलब ऊपर जो आपको लाइट्स दिख रहा है इसी चीज़ के लिए ये जगह का नाम रेनबो स्ट्रीट रखा गया है। इधर वो ट्रक भी है, खाने पीने का चीप एंड बेस्ट ऑप्शन, तो इधर बहुत सारे ट्रक है और बैठने का भी यहाँ जगह है, रेस्टोरेंट काइंड ऑफ एक जगह है ये। ये ऊपर देखो बढ़िया लग रहा है देखने में, बस इतना ही है, रेनबो स्ट्रीट इसलिए ही फेमस है। तो अभी फिलहाल हम लोग चलेंगे, जर्नी कंटिन्यू करेंगे आगे डाउनटाउन की तरफ। इधर रेनबो स्ट्रीट में ना बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ भी एक है, ऊपर इंटीरियर देखो इसका कितना खूबसूरत इंटीरियर है। टाइम कम है जाने का, वैसे मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी तो डाउनटाउन के लिए चलना ही पड़ेगा। इधर भी है और इधर पब भी है और इधर अल्कोहल भी मिलता है, यहाँ एक पब है, पब कम रेस्टोरेंट्स, और लाइव म्यूजिक भी चलती है इधर। रास्ता बहुत नीचे जा रही है, देखो इतना स्टीफ है रास्ता,
आने के टाइम में बहुत मतलब चढ़ना पड़ा था, पैर का हालत बहुत ख़राब है। और इधर थीम्ड रेस्टोरेंट्स है बहुत सारा, ये भी एक है उसमें से। चलते हैं डाउनटाउन के पास। होटल का जहाँ हम लोग ठहरे वहाँ पे नियरेस्ट एक शॉप में हम लोग आ गए हैं। मिठाई का शॉप है, यहाँ का मिठाई है ये, मिठाई हम बहुत बढ़िया मिलता है। ये ट्रेडिशनल जॉर्डनियन स्वीट्स है, ये सब तो पेस्ट्री है, ये कुछ खास नहीं है इतना भी। लेकिन दिस विथ फुल ड्राई फ्रूट्स, यहाँ से कुछ मिठाई तो लेना है, घर के लिए भी लेना है। चॉकलेट स्वीट्स, बिस्किट्स, कुकीज वगैरह भी है, कुछ ले लेते हैं यहाँ से पहले, पहले उसका पता करते हैं ये कितना प्राइस है इसका। अभी ये बात करना होगा, अभी दूसरा प्रॉब्लम देखो अभी इसका। एक्सक्यूज मी ब्रदर, व्हाट इज दिस? दिस कुनाफा। कुनाफा साइड बाय चीज, साइड बाय चीज। हाउ मच? वन पीस वन दिनार। आई विल टेक इट टू माई होटल, गिव मी टू पीस। हाँ भालो के दर्जे नहीं, सॉरी टू हाँ, नॉट इन प्लेट, आई विल टेक टेक अवे टेक। अरे इन लोगों को, हाँ हाँ मिक्स 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 मिक्स, हाँ मिक्स दिस वन टू। भाई को पता नहीं, हम बोल रहे हैं होटल में लेके जाएंगे, लिए तो इधर ही दे रहा है प्लेट में। ओह अच्छा अच्छा, नहीं नहीं उधर पैक भी कर रहे हैं, समझा है वो पैकिंग हो रहा है। दिस इज ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल फूड जॉर्डनियन स्वीट्स। ओके देखते हैं अभी इसको घर पे लेके जाके खाएंगे होपफुली। ये दुकान है डाउनटाउन पे और यहाँ फूड डिलीवरी होता है, कार्ड से भी पेमेंट हो जाता है। क्या नाम है पता नहीं, अरबिक में कुछ लिखा हुआ है। मिठाइयाँ बहुत बढ़िया है, एक जो यहाँ डब्बा जो है मिठाई का जो बॉक्स है, मतलब ये गिफ्ट पैक है, ऐसा गिफ्ट पैक है यहाँ पर। ये सब 15 JD 20 JD करके प्राइस है एक किलो का। और बाहर ये आइसक्रीम भी बेच रहा था, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा अच्छा कुछ फ्लेवर्स है, लाइक अरेबियन आइसक्रीम एंड चीज़ केक। एक JD में आप पूरा मिक्स भी कर सकते हो या कोई एक फ्लेवर भी ले सकते हो। एक कोन, कोन दिखा दो, ये है कोन। तो अच्छा मिठाई यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, पता नहीं अरबी लोग शायद मिठाई का ज़्यादा दीवाना है, हो सकता है। तो भाई थोड़ा रूम पे गए थे, दो एक जैकेट लिए हम, 15 JD का प्राइस बोला, 14 JD में दिया। यहाँ बार्गेनिंग तो मतलब ज़्यादा नहीं होता है, 1-2 JD कम करता है ये। और अभी फिलहाल वापस हम फिर आ गए, थोड़ा हेयर ट्रिम करना है और बियर्ड ट्रिम करना है। तो ये है बर्बर शॉप, यहाँ का करवा लिए, बियर्ड ट्रिम करवाना था और थोड़ा फेस भी क्लीन करवाना था, तो करवा लिए। बियर्ड ट्रिमिंग के लिए यहाँ प्राइस लिया 3 JD, जो कि इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 330 रुपीस, बहुत ही ज़्यादा महंगा है भाई, बहुत ज़्यादा महंगा है। और मेरा तो थोड़ा ग्रे बियर्ड भी था, उसको कलर भी कर दिया वो 3 JD के अंदर में ही। और फेस क्लीनिंग के लिए ये लोग 2 JD लिया, तो मतलब टोटल मेरा खर्चा हुआ 5 JD। बहुत सगमा पहुँचा है, लेकिन फिर भी करना ज़रूरी था। तो अभी फ़िलहाल जा रहा है ATM ढूंढने। तो यहाँ और एक चीज़ बता रहे थे कि जॉर्डन में अगर आप आ रहे हो ना, ऑलवेज कैश कैरी करना, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा जगह यहाँ पर कैश ही ये लोग एक्सेप्ट करता है, कार्ड यहाँ बहुत कम जगह चलता है। बड़ा रेस्टोरेंट में जाओगे तो कार्ड चल जाता है, लेकिन फिर भी बहुत कम जगह पर ही कार्ड अभी हम यूज़ कर पाए। तो बेहतर है कि कैश विड्रॉ कर लो एक बार यहाँ आके, बहुत सारा बैंक ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करता है। मैंने एक बार किया था जॉर्डन बैंक से, जब 4 JD चार्ज किया था, उसके बाद दूसरा एक बैंक मिल गया,
उस बैंक से हम ट्रांजेक्शन करवाए थे तो 2JD चार्ज लिया था, जो कि काफ़ी अच्छा रेट है। तो फिलहाल अभी ATM पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे अपना होटल पे। आज के लिए व्लॉग इतना ही, यहाँ ही व्लॉग ख़त्म करते हैं। कल हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं पेट्रा पे, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द 7 वंडर में से पेट्रा एक वंडर है वर्ल्ड में, और बहुत सारा फिल्म भी यहाँ पर शूटिंग हुआ था। बहुत अच्छा जगह है पेट्रा, यहाँ से ट्रैवल करेंगे कल पेट्रा की तरफ। तो फिलहाल अभी आज के लिए गुड नाइट फ्रॉम जॉर्डन फ्रॉम अमान। वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार, बहुत लोग वीडियो देख के चल जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो। सो और चैनल को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको अम्मान डाउनटाउन का टूर। तब तक के लिए बाय बाय, कीप ट्रैवलिंग।